गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर 12th फर्स्ट पोएम 2.1 सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन बॉर्न इन 1819, वॉल्ट विटमन 1819 में पैदा हुए एंड डाइड इन 1892 और 1892 में उनकी वफात हो गई। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो अमेरिका के शायर थे, मजमून निगार थे और सहाफ़ी थे। विटमन इज़ अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट इन द अमेरिकन कैनन। विटमन ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मतलब अपनी तरफ रागिब करते थे या अपनी पोइट्री से लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ था। एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। और उन्हें फ्री वर्स पोएम की किस्म होती है, जिस पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स नहीं होते उसे फ्री वर्स पोएम कहते हैं। अगर आपको राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम के बारे में देखना है तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं राइमिंग स्कीम के लिए। और फ्री वर्स किसे कहते हैं उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि इन्होंने विदाउट राइमिंग वर्ड्स पोएम्स को लिखना स्टार्ट किया, इसके लिए उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं। इस मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855। और उनकी सबसे बड़ी जो वर्क है, सबसे बड़ा जो काम है, वो है एक किताब जो पोएम की पूरी पोएट्री से पोएम्स से भरी हुई एक किताब है जिसका नाम है लीव्स ऑफ द ग्रास। और ये सबसे बड़ा उनका वर्क है। हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ द ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855 और लीव्स ऑफ द ग्रास उन्होंने पब्लिश की 1855 में। हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन अ पोएम ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉपुलर। और जैसे कि आपने आपके 10th में पढ़ा हुआ है, आपकी 10th में एक पोएम थी आपको कैप्टन माय कैप्टन, इसके अंदर उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ के बारे में बताया हुआ है। जब मैं ये पोएम बच्चों को पढ़ा रहा था तो मुझे हमारे हिस्ट्री का एक लेसन याद आ गया जिसमें शिवाजी कहते हैं गढ़ आला पंसी हंगेला, बिल्कुल इसी तरह से इस पोएम में हुआ है। अब्राहम लिंकन की डेथ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ द ग्रास, इट इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। और ये जो पोएम है सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड, ये लीव्स ऑफ द ग्रास इसी बुक से ली गई है। और ये पोएम देखा जाए तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को सही बनाने के लिए, या इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये पोएम एक इंस्पिरेशनल पोएम है, तो ये गलत नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। वी रीड द पोएम एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड वॉल्ट विटमन। A foot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me. The long brown path before me leading, whenever I choose. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, curious criticism. Strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Here is a parenthesis which is given in the bracket. When the poet's something given in the bracket, it is called as a parathesis. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me whenever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Now, we are going to understand the poem Songs of the Open Road. A foot and light-hearted I take to the open road. पैदल ही हल्के दिल से मैंने अपने रास्ते को चुन लिया। पैदल ही हल्के दिल से मैं अपने रास्ते पर निकल पड़ा। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। हेल्दी खुशहाल, फ्री आज़ाद, खुला हुआ। द वर्ल्ड बिफोर मी मेरे सामने ये दुनिया थी, यानी हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी खुशहाल आज़ाद ये दुनिया मेरे सामने। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग और मेरे सामने ब्राउन लॉन्ग पाथ, पाथ रास्ते को कहेंगे,
उसके ताल्लुक से यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मेरे सामने ब्राउन रास्ता, लंबा रास्ता मेरे सामने, बिफोर मी लीडिंग, जो मुझे लीड कर रहा है, जो मुझे ले जा रहा है, वेन एवर आई चूज़, जो भी मैं अपनी मंजिल तय करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ, हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, हैंस फोर्थ इसके बाद आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून कहेंगे खुशकिस्मती, अब जब मैं निकला हूँ तो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, क्योंकि मैं खुद ही खुशकिस्मत हूँ, हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, विम्पर एक नया वर्ड आया हुआ यहाँ पे, विम्पर, विम्पर का मतलब होता है चिड़चिड़ करना, इसके बाद आई विम्पर नो मोर यानी मैं चिड़चिड़ नहीं करूँगा या किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा, पोस्टपोन नो मोर ना अपने काम को आगे बढ़ाऊँगा, नीड नथिंग और मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स और डन पूरा हो गया हुआ है, क्या इंडोर कंप्लेंट्स करना, अक्सर हम कोई काम करने के पहले तय करते हैं कि मुझ में ये है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता, यानी हम अब इंडोर अपने ऊपर कमज़ोरी को यानी खुद की कमज़ोरी को, मसाइल को हम अब बताएंगे नहीं, लाइब्रेरीज क्यूरियस क्रिटिसिज्म, लाइब्रेरीज मतलब लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करते हैं कॉलेज में बुक लेने के लिए और बुक से हम ज़्यादा मालूम हासिल करते हैं, यानी अब मुझे किसी की सहूलत की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं जैसा है उसी से आगे बढ़ेंगे, उसी को यूज़ करके, यानी अब हम खुद की कमज़ोरी को नहीं बताएंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे, क्यूरियस क्रिटिसिज्म, और ना ही किसी के क्यूरियस क्रिटिसिज्म कहेंगे तनकीद को, और क्यूरियस चिड़चिड़ाना, यानी अक्सर हम लोगों की बातों से चिड़ जाते हैं तो हमें उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, और मजबूती से कंटेंट सही तरह से आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं उस रास्ते पर सफ़र करूँगा, द अर्थ दैट इज़ सफिशियंट, और जो दुनिया है यानी अर्थ यहाँ पे ज़मीन है, हम इसको रास्ता ले लेंगे, और जो रास्ता है, जो मेरा रास्ता है वो मेरे लिए क्या है, सफिशियंट है, मेरे लिए उतना है जितना मुझे चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी मोर, अब मुझे कॉन्स्टलेशन एक्चुअल में कहा जाता है चांद तारों को, तो यहाँ पे अब हमें चांद तारों की ज़रूरत नहीं है, मतलब शायद ये कह रहा है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं वो हम उतने पक्के हैं, पुख्ता हैं, बराबर हैं, और हम उस काम को कर सकते हैं, आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर, और मुझे पता है कि वो जो चीज़ें हैं जहाँ भी हैं, चमकने वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो वो जहाँ भी हैं वो अच्छी हैं, सही हैं, आई नो दे सफाइस फॉर धूस हु बिलोंग टू देम, और मुझे ये लगता है सफाइस, सफाइस का मतलब होता है काफ़ी होना, यानी वो उनके लिए काफ़ी हैं जिनसे वो ताल्लुक़ रखती हैं, यानी जिनके लिए वो हैं, उसके बाद एक पैराथेसिस में दिया गया है सेंटेंस, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आज भी मैं अपने साथ रखता हूँ अपना ओल्ड डिलीशियस बर्डन, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो डिलीशियस बर्डन्स कहा गया हमारी पुरानी तालीमात को, हमारी पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, या हमारे आबा वजदा को, आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी व्हेनेवर आई गो, मैं उन्हें अपने साथ लेता हूँ उन औरतों और आदमियों को, आई कैरी देम विथ मी व्हेनेवर आई गो, और मैं उन्हें अपने साथ रखता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राइट ऑफ देम, और मुझे यकीन है स्वेयर यानी मुझे पता है कि ये मुश्किल है फॉर मी टू गेट राइट, राइट का मतलब होता है उससे जान छुड़ाना यानी उनसे जान छुड़ा कर आगे निकलना, आई एम फिल्ड विद देम क्योंकि मैं उनसे भरा हुआ हूँ, एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनको वापस वैसे ही भरूँ जैसे उन्होंने मुझे भरा है, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, अब मेरे नज़रिए से हम इस पोएम को देखेंगे कि मुझे इस पोएम में क्या लगा, एक्चुअल में पोएट बहुत गहरी गहरी बातें अपने नज़्म में बयान करते हैं, उसे समझना भी हम अपने हिसाब से अपने दिमाग की तरह से चल सकते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में बताती है, पहले सेंटेंस में कहा गया अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, पैदल ही अपने हल्के दिल को लेकर मैं रास्ते पर निकल पड़ा, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और मेरे सामने खुशगवार और आज़ाद दुनिया है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग, और ये बड़ी ब्राउन कलर की रोड मुझे ले जा रही है
व्हेनेवर आई चूज, जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ, हेंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, हालांकि इसके बाद आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, मैं किसी की खुशकिस्मती की तवक्का नहीं करूँगा, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून, क्योंकि मैं खुद ही खुशकिस्मत हूँ, हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, अब मैं कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा या चिड़चिड़ नहीं करूँगा, पोस्टपोन नो मोर, और किसी काम को मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा, आगे नहीं बढ़ाऊँगा, नीड नथिंग, और मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे अब देखो हम भी क्या करते हैं, कोई काम करना है, पढ़ाई शुरू करना है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं एग्ज़ाम के वक्त करेंगे, तब करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास डाइजेस्ट नहीं है, तो हम उसको बढ़ाते हैं, हमने वैसा नहीं करा, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करके हमने हमारी स्टडी को स्टार्ट करना है। अभी आपके पास PDF में मिला हुआ, तो आप PDF से या यूट्यूब से आप इस तरह से आपकी स्टडी को कवर करना है, कंटिन्यू करना है, आपने बहाने नहीं बनाना है अभी क्या करना है, अभी तो छुट्टियाँ हैं, अभी क्यों करेंगे, फिर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, ये जो हैं ये हमारे विम्पर्स हो गए, हमारा पोस्टपोन्ड हो गया, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है हमने उससे तैयार करना है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरियस क्रिटिसिज्म, और हम खुद की कमज़ोरियाँ बयान करते हैं अक्सर, कोई भी, ये सिर्फ और सिर्फ पोएट ने ज़िंदगी के हद तक नहीं, हर एक काम के लिए ये पोएम हमें गाइड करती है, सपोर्ट करती है, रास्ता दिखाती है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, हम हमारी कमज़ोरियों को अब बहुत बोल चुके हैं। लाइब्रेरीज, हमें जो सहूलतें मिलती थी, हम सहूलतों को लेकर काम करते थे, मदद लेकर काम करते थे। क्यूरियस क्रिटिसिज्म, और लोगों के तनकीद को देखकर हम काम करते थे, अब हम वैसे नहीं करेंगे, हमारे पास जो है जैसा है वैसे हम स्टार्ट करेंगे और हम उस काम को करेंगे। अगर आप जितने भी लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को रोशन बनाया है, मुस्तकबिल को कामयाब बनाया हुआ है, कुछ उन्होंने कर दिखाया है, उनके पास कई वजह होंगी, कई हज़ारों वजह होंगी उस काम को न करने की, लेकिन अगर एक वजह उसे करने की उन्हें मिल गई तो उस काम को कर जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें करना है, हमने स्टार्ट करना है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, और मजबूती से और सही से उस रास्ते पर हमने चलना है। द अर्थ दैट इज़ सफिशियंट, क्योंकि जो हमारे पास ज़मीन है, जो हमारे पास अभी है, वो हमारे लिए मुकम्मल है, बराबर है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी मोर, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आज के दौर में देखा जाए तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए कहा गया है कॉन्स्टलेशंस, मेरे नज़रिए से कॉन्स्टलेशन कहते हैं चांद तारों को, अगर आज की नज़र में हमारे यंग जनरेशन को देखा जाए तो चांद तारे उनके लिए जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं ये उनको आइडियल बनाकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, अब ये जो हीरो हीरोइन एक्टर्स हैं ये हमारे नज़दीक नहीं रहेंगे। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, हमें पता है वो जहाँ हैं उन्होंने उनकी मेहनत की और वो वहाँ पहुँच गए। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और वो काफ़ी हैं उनके लिए जिनके लिए वो ज़रूरी हैं, बट हमने अब हमारे काम पर फोकस करना है, हमारे टैलेंट पर मेहनत करना है, और हम कुछ हमें बनकर दिखाना है। अब उसके साथ यहाँ पे छोटा सा मैसेज इस पैराथेसिस में दिया गया जो अक्सर आज की यंग जनरेशन इसको भूल रही है। स्टिल हियर आई कैरी माय ओल्ड डिलीशियस बर्डन, ओल्ड डिलीशियस बर्डन यहाँ पर हमारी तालीमात को, हमारे पैगामात को, जो हमारे वालिदैन ने हमको दिए हुए हैं, जो यादें हैं, जो बातें हैं, या हमारे वालिदैन खुद उसे यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि आज बिल्कुल बच्चे यही समझ रहे हैं कि पेरेंट्स उनके लिए बर्डन्स हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आज भी मैं कैरी करता हूँ, अपने साथ लेता हूँ, डिलीशियस मतलब एकदम बेहतरीन, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं, ऐसे टेस्ट वाला, बर्डन मतलब एक बोझ बता रहा है कि अभी भी मैं अपने साथ वो खूबसूरत, अच्छा, लजीज बर्डन, लजीज बोझ को लेकर चलता हूँ। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, मैं उन आदमी और औरत को लेकर चलता हूँ। आई कैरी देम विथ मी वेन एवर आई गो, मैं उन्हें अपने साथ लेता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, यानी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उनकी तालीमात को अपने साथ रखता हूँ, उनकी बातों को, उनके मैसेजेस को अपने साथ रखता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राइड ऑफ देम, हाँ ये बात सही है, कसम से मैं ये कहता हूँ कि ये मुश्किल है कि मैं उनसे दूर हो जाऊँ, उससे अपने आप को जान छुड़ा लूँ, आज करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम होते नहीं हैं, क्यों, आई एम फिल्ड विद देम, क्योंकि मैं जो हूँ वो आज उन्हीं की वजह से हूँ, एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मुझे भी उन्हें वही देना है जो उन्होंने मुझे, जब मुझे चलना नहीं आता था, जब मैं कुछ कर नहीं सकता था तो उन्होंने मेरे लिए सब किया, जब आज उनकी वैसी हालत है, जब वो कुछ नहीं कर सकते तो मुझे उनके लिए वो सब करना है। होप सो यू लाइक द वीडियो, एंड आपके नज़रिए से आप सोचिए कि क्या हो सकती है पोएम, क्योंकि हर एक पोएट अपने एतबार से, अपने सोच से लिखता है, और जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम अपने एतबार से समझते हैं। बहुत अच्छी पोएम है कि हम जहाँ हैं
वहीं से अपने काम को स्टार्ट करें, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं, हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। जैसा कि हमने देखें द एस्ट्रोलॉजर्स ने कि हाथ देखकर वो तकदीर बताता है, तो हमारे ज़िंदगी में हमने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि जिनके हाथ नहीं हैं लेकिन उनकी तकदीरें माशाल्लाह बहुत सवरी हुई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी तकदीर को बना सकते हैं, बस हमने प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है, मेहनत करके अपने मंजिल को पाना है। चाहे हम जिस भी हालत में हो, वैसे हालत में हम इसको स्टार्ट करना है और उस चीज़ को पाना है। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।